हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द सिलेंडर हुज डायमेंशन आर। अब क्या करना है, जो ये हमारे पास दी हुई है डायमेंशन, इससे हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, और किसका है ये, सिलेंडर का। तो इसका मतलब ये है कि हमें अब हम लोग कुछ नई चीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में क्यूब क्यूबाइड पढ़ा था ना, अब वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो जो गिवन है ना, रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ अ बेस एंड हाइट, ये दोनों हमारे पास गिवन है ना। तो हम लोग ये करते हैं सॉल्व। तो देखो इसमें हमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूले को करने हैं लर्न, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम फॉर्मूले आपको बताते जाएं, वैसे वैसे आप फॉर्मूले को लर्न करते जाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो रेडियस दिया हुआ है आर, है ना। रेडियस आर इक्वल्स टू कितना, 7 सेंटीमीटर। और हमारे पास क्या हाइट दी गई है, कितनी है, 50 सेंटीमीटर। हाइट, रेडियस और हाइट हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम करना है, ठीक है। फाइंड तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इक्वल्स टू क्या होता है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हम फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई, ठीक है, आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट, समझ गए। अब एक चीज़ और देख लो, जो ये पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ठीक है। इसको लर्न कर लो, 7 है ये, इसको करो लर्न, याद करो 22/7, समझ गए, समझ गए, ओके। तो चलो आ करते हैं। तो पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 22/7, ये कहीं दी नहीं जाएगी, ये वैल्यू ही होती है, ठीक है। तो ये लर्न करना पड़ेगा, और जहाँ भी पाई बोला जाएगा वहाँ पर ये रख देना, ठीक है, उसको रख देना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई आर है, आर हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा 7 और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिखा, इंटू एच हमारे पास कितना है, 50, तो लिख दिया 50। अब देखो क्या करो, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, दो स्क्वायर है, पावर हटेगी तो इसे दो टाइम हम इसे लिखेंगे, इंटू 50। तो क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, 7 5 से कितना हो जाएगा, 35, 22 × 35, 350। अब क्या करो, इसका मल्टीप्लाई करो, 35 × कितना, 22। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 770, और एक ये 0 0 लगा दो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, तो देख लो, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब कैसे आया, देखो 7 भी हमारा सेंटीमीटर है और इसको दो टाइम लिखा हुआ है, इसके बाद भी सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर × सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। देखो कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू फॉर्मूला इसका क्या होता है, 2πRh। 2 होता है, 2 पाई हमने बताया कितना होता है, 22/7 होता है। आर हमारे पास गिवन है कितना है, 7 है, और एच भी हमें गिवन है कितना, 50 है। 7 7 कैंसिल, 2 × 22 = 44 × 50 कितना हो जाएगा, कर लो 0 5 4 = 22 22, ये हुआ ना 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पर, सेंटीमीटर यहाँ पर, तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब तो कर्व सरफेस एरिया हमें मिल गया, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच, 2πr r प्लस एच। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ठीक है, इंटू आर हमारे पास कितना है, 7 है, ब्रैकेट में 7 प्लस एच हमारे पास कितना है, 50, 7 7 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 44 इंटू 2 × 22 = 44, 7 और प्लस 50 57, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 2508,
मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये टोटल सरफेस एरिया कर्व और वॉल्यूम हमने निकाल लिया, ओके। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट को करते हैं सॉल्व। तो इसमें जो गिवन है ना, इसको लिख लो, रेडियस हमारे पास कितनी 5.6 है। सेकेंड पार्ट है, रेडियस है हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास कितनी है, हाइट हाइट है हमारे पास 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। अब देखो क्या है, हाइट भी रेडियस भी, इसमें भी हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, आर हमारे पास कितना होता है 5.6 और आर स्क्वायर है ये, इंटू एच हमारे पास क्या 1.25। अब क्या करूँ, जब ये स्क्वायर दिया, ठीक है, तो इसका स्क्वायर दो कैसे निकालोगे, देखो 22/7 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1.25, ठीक है। अब क्या करो, ये क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसको पॉइंट हटाते हैं, अपॉन में डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो 22/7 इंटू, अब 5.6 इंटू 5.6 इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 31.36। अब यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 125/100। अब इसे 4 से करो तो 4 25 4 5 जा चला जाएगा, और इसे करो तो 25 कितने टाइम जाएगा, 4 जा, ठीक है। अब इसको भी पॉइंट हटा दो, यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो 520 जा चला जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब क्या करो कि ये 4 है, ठीक है, अब इसे करो 2 11 टाइम और 2 2 टाइम, ठीक है, बच रहा 2, 2 से ये कैंसिल हो सकता है, चलो देखते हैं। तो यहाँ से कर देते हैं 2 1 2, ठीक है, 2 5 10 और यहाँ पर कितना 13 है, 2 6 12 और 2 3 6। तो हमारे पास क्या आया, 1 5 6 8 आएगा, ठीक है, 8 2 16, तो ये आया, चलो इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 11/7 इंटू 1 5 6 8 20, और यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं क्योंकि ये भी कट गया और ये भी कट चुका है। तो देखो ये बचा, अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो 11/7 इंटू, जब 20 को इससे डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, 78.4, ओके। अब क्या करूँ, अब हम लोग करते हैं इसको डिवाइड, ठीक है, देखो तो हमारे पास क्या आया था, यहाँ लिख लेते पहले 11/7 इंटू 78.4, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो कितने टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा 11.2। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.23.2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गई वॉल्यूम आ गया, ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, या कर्व सरफेस एरिया। चलो तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग चलो फाइंड करते हैं, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh, 2πRh, 2 इंटू पाई होता है, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और आर हमारे पास क्या है 5.6 है और एच हमारे पास कितना है, देखो एच हमारे पास है 1.25, फिर से पॉइंट हटाया और फिर हमने यहाँ पर 100 किया, तो इसे फिर से हमने काटा कैसे, 25 5 से और 25 4 जा, ठीक है, पॉइंट हटाया, यहाँ पर कितना आ गया 10 आ गया, 5 2 जा चला गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या कितना बचा, 22/7 इंटू 56 और इंटू 1/4, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 बचा यहाँ 4 बचा। अब क्या करूँ, 4 से इसे करूँ, 4 1 4, ठीक है, और यहाँ पर 4 4 16, ठीक है, 7 2 14, 22 × 2 = 44, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास क्या है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर,
हो गया आंसर। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, टू पाई आर, ठीक है, टू पाई आर होता है, टू पाई आर, आर प्लस एच, ठीक है। तो टू की जगह पे टू, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे, आर की जगह पे 5.6 इंटू आर हमारे पास क्या है 5.6 प्लस एच हमारे पास क्या है, एच हाइट है हमारे पास 1.25, ठीक है, इतना है हमारे पास। अब देखो क्या करो, अब देखो क्या करना है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 को इससे कैंसिल करेंगे तो कितना 0.8 चला जाएगा, क्योंकि 7 8 56 होता है और यहाँ पर पॉइंट लगा तो 0.8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 44 इंटू 0.8 ब्रैकेट में 5.6 प्लस 1.2 तो कितना हो जाएगा 6.85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, 0.8 का इससे मल्टीप्लाई करो, 44 मल्टीप्लाई 0.8 इंटू 6.85, इसका जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 5.48। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 241.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमने इसका भी कर लिया फाइंड, ठीक है। अब चलते हैं इसी का थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट वो क्या कहता है, रेडियस ऑफ द बेस दिस और ये दिस, चलो लिख लेते हैं। किसी का थर्ड है, रेडियस है हमारे पास कितनी दी गई थी, रेडियस है 14 dm, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हाइट है हमारे पास 15 m, हाइट है 15 m, समझ गए, इतना रेडियस हमारे पास कितनी 14 dm, हाइट है 15 m, ओके। अब हमें इसमें क्या करना है, वॉल्यूम सरफेस एरिया फिर से ही फाइंड करनी है, ठीक है। मगर उससे पहले देखो करना क्या, अब ये देखो मीटर में दिया है और ये हमारा क्या है डीएम में दिया है, तो डीएम में दिया है तो हम लोग इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखो कैसे आ जाएगा। तो इसका जब हम लोग इसको डीएम से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.4 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा रेडियस, ओके। कन्वर्ट करना तो आता ही होगा, पिछले हमने को बताया हुआ है। तो अब इसमें ये आ गया रेडियस, तो हम लोग किसका निकालेंगे, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, सिलेंडर, इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर हमारे पास कितना है 1.4 होल स्क्वायर इंटू एच हमारे पास कितना है, एच है 15। तो हमने क्या किया 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 15, ठीक है। तो इसको देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1.4 इंटू 1.4 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 444 196 हो जाएगा 1.96 इंटू 15, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दो मल्टीप्लाई और डिवाइड खुद से करके देखना, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ी जल्दी से बता देंगे कि आपको जल्दी जल्दी बताएं और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। तो इसमें क्या 1.96 इंटू 15 हो गया, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 29.4, 7 से इसे कैंसिल करो, 7 फोर जा और 0.2 हो जाएगा, पॉइंट इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ जाएगा 92.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो देखो कैसे फाइंड होगा इसका, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, चलो कर्व सरफेस एरिया देखो, कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr² h, यही होता है, ठीक है, 2πrHO4, 2πrH होता है, ठीक है।
टू इंटू पाई होता है 22/7, ठीक है। आर हमारे पास कितना है, आर है 1.4 इंटू एच कितना हमारे पास 15, ठीक। तो हम क्या करते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू ये हो जाएगा 44 हो जाएगा बाई 7 हो जाएगा इंटू क्या करो 1.4 इंटू 15 करो, 1.4 इंटू 15 करने में देखो हमारे पास क्या आता है, 1.4 इंटू शायद 21 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 7 3 जा चला जाएगा, ठीक है, 3 से 3 4 जा 12 होगा, 2 3 12 और 1 13, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया आ गया, अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर, टू पाई आर, टू पाई आर प्लस आर प्लस एच, ठीक है। तो टू मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर कितना है 1.4 ब्रैकेट में 1.4 प्लस एच हमारे पास कितना है, एच है 15, ठीक है। देखो इसे, अब देखो क्या करना है, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 44/7 इंटू 1.4 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा इन दोनों प्लस में 16.4 आ जाएगा, यही आएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या करो 16.4 इंटू क्या कर दो 1.4 कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू 22.96 आ जाएगा। तो इसे इसे डिवाइड करो कितने टाइम चला जाएगा हमारे पास, ये जाएगा 4.2 टाइम, ठीक है, समझ गए इतना आएगा 4.2 टाइम नहीं जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, क्योंकि 3 7 3 21 3.28 हो जाएगा, ठीक है। अब 3.28 इंटू कर दो कितना 22 से, 22 क्यों 44 से करेंगे, गलती से लिख गया, ठीक है सॉरी उसके लिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे 3.8 इसको हम लिख लेते हैं सही से 44 इंटू 3.28 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 144.32, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपको बताना है कि आपको अच्छी लग रही है वीडियो, और वीडियो को लाइक भी करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है, इससे आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी। और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ओके।